और अब गुना से अगली खबर है, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है। धारदार हथियार से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जिसमें एबीवीपी के 4 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का गुना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल पक्ष का आरोप है कि डीएसओ के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। देर रात बड़े पल के साथ विवाद के बाद मारपीट हुई। पुलिस ने 5 नामजद सहित 30 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीएसओ के कुछ छात्रों को भी पुलिस ने पकड़ा है और देर तक गुना के कोतवाली थाने में भी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। मारपीट करने के बाद आदमी जैसे सूचना मिली थाने पे आए और थाने पे आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जा चुका है और घायलों को अस्पताल भेज दिया है।